मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास कुलदीप पीजी महाविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, और उसमें अपन पढ़ रहे थे डेविडिस्टन का व्यवस्था सिद्धांत, और फिर डेविडिस्टन के दूसरा सिद्धांत है निरंतर प्रवाह का सिद्धांत, उन पर अपन ने विचार विमर्श किया था। आज अपन चर्चा करेंगे आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो थ्योरी है उसके बारे में। ये क्लास भी अपनी जो रहेगी बीए पार्ट फर्स्ट ईयर की, और टॉपिक है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत। यह भी ज्यादा बड़ा सिद्धांत नहीं है, इसको भी आप एक डायग्राम जो है वो बनाकर के आप इसको समझ सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने डेविडिस्टन के संदर्भ में आपको समझाया था ठीक उसी प्रकार से ये भी है, लेकिन ये कोई मूल सिद्धांत नहीं है, यानी कि मौलिक सिद्धांत नहीं है। ये डेविडिस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में एक सुधार है, यानी एक सुधार है। आप इसको देख सकते हैं, यह मौलिक सिद्धांत नहीं है। मौलिक का मतलब स्वयं के द्वारा कोई इस रूप को प्रस्तुत करता है किसी व्यवस्था के अध्ययन के संदर्भ में, ऐसा नहीं है। आमंड के द्वारा इसके जो प्रवर्तक हैं वो है आमंड महोदय, इन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है ये राजनीति विज्ञान में दिया था। ये सिद्धांत भी जो है व्यवहारवाद की देनी है, क्योंकि व्यवहारवाद के अंदर ही व्यवस्था सिद्धांत आया था, उसी व्यवस्था सिद्धांत में यह क्या करता है सुधार करता है, यानी यह व्यवस्था सिद्धांत में सुधार है, यानी व्यवस्था सिद्धांत में क्या किया गया है सुधार किया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है वो उसको तैयार करना है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है ये आमंड महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरी ओर जो अपन इस चीज को देखते हैं तो ये आमंड का कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, ये डेविडिस्टन की व्यवस्था का जो सिद्धांत था उस सिद्धांत में एक सुधार है, सुधार के रूप में आया था। और तीसरी चीज इसकी जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस सिद्धांत को निष्पादन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, अर्थात निष्पादन मॉडल भी कहते हैं, निष्पादन मॉडल भी कहते हैं। साथ साथ आप नोट करते रहे, किसको कहते हैं निष्पादन मॉडल, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो है इसका दूसरा नाम है निष्पादन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से व्यवस्था सिद्धांत था जिसको आगत निर्गत मॉडल के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस सिद्धांत को निष्पादन मॉडल के नाम से जाना जाता है। अब आता है कि साहब व्यवस्था सिद्धांत जो था उसको डेविडिस्टन ने अपनी जो पुस्तक थी द पॉलिटिकल सिस्टम उसमें प्रस्तुत किया था, तो आमंड भी इसे अपनी जो पुस्तक है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स उस पुस्तक में उसे प्रस्तुत करते हैं। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ये उसकी पुस्तक का नाम है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और ये उनकी रचना थी वो 1966, कब की है 1966 की। तो ये तो थी इस सिद्धांत की सामान्य चीजें, यानी कि अब आगे अपन ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से सुधार करता है वो तो अपन अब आगे देखेंगे, लेकिन ये इसकी एक प्रारंभिक कड़ी है कि अपन जब आपने सामने जब संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का नाम आए तो अपने सामने अपने मस्तिष्क में कुछ उसकी जो सामान्य प्रक्रिया है वो हमारे सामने होनी चाहिए। तो सामान्य प्रक्रिया यही है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत जो है वो आमंड के द्वारा प्रस्तुत किया गया,
इस सिद्धांत को निष्पादन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आमंड ने अपनी पुस्तक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो 1966 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह उनका अपनी मौलिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह डेविड हिल्सन की व्यवस्था सिद्धांत में एक सुधार है। यह इसकी आपकी भूमिका बन गई। अब आप जो अपने नोटबुक है उसमें आप नोट्स जब बनाते हो तो आप इस प्रकार से बना सकते हो। पहले नाम लिखिए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत, यह आप हेडिंग डालिए, और उसके स्वरूप को समझने के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए, उसके अभिव्यक्ति जो है अपन उसके संदर्भ में अपन किस प्रकार से उसको व्यक्त कर सकते हैं, वो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एरो लगाइए, फिर लिखिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है इसे राजनीति विज्ञान में आमंड महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसे निष्पादन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है इस सिद्धांत का, इसे निष्पादन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। आमंड ने अपनी पुस्तक कंपेरेटिव पॉलिटिक्स जो 1966 में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में उन्होंने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह श्रेणी होगी। आगे लिखिए, यह आमंड का मौलिक सिद्धांत नहीं है बल्कि डेविड हिल्सन के व्यवस्था सिद्धांत में एक सुधार है। डेविड हिल्सन के व्यवस्था सिद्धांत में एक सुधार है। यह इसकी आपकी प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है वो आपकी तैयार हो गई। अब आप देखिए, जहां डेविड हिल्सन के सिद्धांत पर व्यवहारवादी क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है, वही आमंड के इस सिद्धांत पर उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी घटना आप लिखिए एरो लगा करके, तो पहले में तो आपने समझ लिया, दूसरे में आप लिखिए कि जहां डेविड हिल्सन के व्यवस्था सिद्धांत में व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार आमंड के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत में उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है। यानी कि व्यवस्था सिद्धांत जो था, व्यवस्था सिद्धांत जो था उस पर व्यवहारवाद का प्रभाव, प्रभाव था। और दूसरी ओर जब अपन संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, इस सिद्धांत में किस चीज का प्रभाव दिखाई देता है वो भी आप लिख लीजिए, उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव, उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव। दोनों चीजें क्लियर हो गई। व्यवस्था सिद्धांत जो था डेविड हिल्सन का, उस पर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है, और आमंड का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है उस पर उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अब आमंड जो है वो डेविड हिल्सन के व्यवस्था सिद्धांत में किस प्रकार का परिवर्तन करता है और अपना संरचनात्मक जो प्रक्रियात्मक जो सिद्धांत है उसकी क्या विशेषता बताता है, उनको अब अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीजें जो है आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू करूंगा कि आमंड ने इस व्यवस्था सिद्धांत में क्या सुधार किया था और अपने सिद्धांत की क्या विशेषताएं बताई थी, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, व्यवस्था जो सिद्धांत था उसमें सुधार, क्या क्या सुधार, जो हेडिंग डाल ली थी आप डेविड हिल्सन के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार, डेविड
ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत में सुधार, यानी क्या क्या सुधार उन्होंने इसमें किए हैं, किसने? आमंड महोदय। और अपने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत की क्या विशेषताएं बताई है उनको अपन यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो सुधार उन्होंने किया है, पहला सुधार उन्होंने जो किया है वो देखिए, वो क्या कहते हैं कि डेविड ईस्टर्न ने जहां संरचनाओं पर अत्यधिक बल दिया वहीं आमंड प्रकार यानी कार्य पे ज्यादा बल दिया। पहला विशेषता के तौर पर तो आएगी जहां ईस्टर्न संरचनाओं पर बल देते हैं वही आमंड आमंड प्रकारियों पर बल देते हैं। संरचनाएं संस्था की जो गतिविधि है उस पे और यहां कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, उसके क्या रूप है, किस प्रकार के प्रकार जो है जहां निर्णय लिया जाता है अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग विभागों में, तो वहां वो प्रकार पे बल देता है। तो ये पहला अंतर आया दोनों में कि इसमें ये सुधार किया इसने कि ईस्टर्न ने संरचनाओं पर बल दिया था, इसने अभी सुधार किया संरचनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कार्य, कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है वो महत्वपूर्ण, वो इस चीज पे बल देता है। दूसरी ओर जहां डेविड ईस्टर्न आगत निर्गत को महत्वपूर्ण मानता है वही आमंड जो है वो आगत को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यहां दूसरी चीज आ गई कि ईस्टर्न जो है ईस्टर्न आगत व निर्गत दोनों को महत्वपूर्ण मानता है, महत्वपूर्ण मानता है वही आमंड आर्गत को महत्वपूर्ण मानता है। अब आपको पता है आर्गत के अंदर क्या था, जो अपन ने व्यवस्था सिद्धांत पढ़ा था उसका पहला भाग था आर्गत में क्या था, मांग और समर्थन। यहां डेविड ईस्टर्न मांग और समर्थन को तो मानता ही मानता था, साथ में वो जो इसका अगला भाग था निर्गत, और निर्गत में वह नीति व निर्णय को महत्वपूर्ण मानता था, इसके साथ साथ वही आमंड जो है वो केवल और केवल मांग और समर्थन जो है उसको महत्वपूर्ण मानता है कि मांग कितनी प्रभावशाली है उसके पीछे समर्थन कितना प्रभावशाली है देखना महत्वपूर्ण वो है, ये नहीं है कि नीति किसके द्वारा बन रही है निर्णय किसके द्वारा लिया जा रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि मांग कितने प्रभावशाली तरीके से उठाई गई है उसका समर्थन कितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है उस चीज को महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरी ओर आमंड जो है वो पर्यावरण और फीडबैक को भी आगत का ही भाग मानता है, यानी कि यहां इसने अलग अलग माना था डेविड ईस्टर्न ने, वही आमंड जो है आमंड पर्यावरण में फीडबैक आगत का भाग मानता है, यानी कि पर्यावरण समाज फीडबैक पुनर्निवेश ये सब एक ही है, मांग और समर्थन उसी पर्यावरण से उठ रही है वहीं से उसको फीडबैक मिल रहा है, तो यहां ये अलग अलग भाग नहीं है, ये उसी पर्यावरण जो आगत जो मोड है उसी के अंदर मांग समर्थन और पर्यावरण फीडबैक सभी उसी के भाग हैं, अलग अलग नहीं मानता है। इसके अलावा जो है
आमंड निवेश की बात करता है और निवेश के चार जो प्रकार हैं उनसे जुड़ी हुई जो चार संस्थाएं हैं उनकी वो चर्चा करता है। वो कौन कौन सी है वो मैं दिखा देता हूं, एक बार उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रकारियों और उससे जुड़ी हुई संरचना है। एक तरफ भी किया प्रकारी और दूसरी ओर भी किया आपने संरचना है, इनकी अपन चर्चा करते हैं। नंबर एक पे लिखो आप राजनीतिक सामाजिकरण व भर्ती। राजनीतिक व सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण में भारती, ये तो पहला प्रकार है। इससे जुड़ी हुई जो संस्था है राजनीतिक सांस्कृतिक जो सामाजिकरण की भर्ती जो इससे जुड़ी हुई संस्था है परिवार व शिक्षण संस्था है। परिवार व शिक्षण संस्था, यानी कि राजनीतिक सामाजिकरण व्यक्ति का जो राजनीतिक सामाजिकरण किया जाता है या राजनीति का जो प्रवेश है वो उसकी जो संरचना है वो परिवार और शिक्षण संस्थान है जहां से उस प्रकार को उसे मिलता है। दूसरा आता है हित स्पष्टीकरण, हित स्पष्टीकरण। अब जो हित स्पष्टीकरण है अपने हितों की जो मांग है वो दबाव समूहों के माध्यम से, इसकी उससे जुड़ी हुई संरचना होती है वो होती है दबाव समूह। दबाव समूह के माध्यम से व्यक्ति अपने हितों का क्या करता है, अपने हितों को स्पष्ट करता है। तीसरा आता है हित समूहीकरण, हित समूहीकरण। इससे जुड़ी हित सामूहिकरण से जुड़ी हुई जो संस्था होती है वो होता है राजनीतिक दल। यानी हित सामूहिकरण सभी समूह से होता है, एक समूह में जो हित होता है संपूर्ण समूह है, एक समुदाय एक संपूर्ण क्षेत्र की बात करते हैं तो वो जो हित होता है बड़े पैमाने पे उससे जुड़ी हुई संरचना होती है वो राजनीतिक दल होता है। राजनीतिक दल के माध्यम से उन चीजों की पूर्ति होती है। जबकि हित का जो स्पष्टीकरण होता है जो व्यक्तिगत हित होते हैं समूह के जो हित होते हैं वो दबाव समूह के द्वारा या उससे जुड़ी हुई संस्था होती है दबाव समूह होती है। और एक होता है प्रकार ये संचार का जो प्रकार होता है इससे जुड़ी हुई संस्था होती है मीडिया। इससे जुड़ी हुई संस्था होती है मीडिया जिसके द्वारा चीजों को स्पष्ट किया जाता है। इसके अलावा निर्गत की अपन बात करें तो निर्गत की मैं यहां बता देता हूं, ये तो आर्गत के अंदर आ गया सभी कार्य। अब निर्गत की पर बात करें तो निर्गत से जुड़े हुए तीन प्रकार के जिनकी वो चर्चा यहां पे करता है उन जुड़ी हुई संस्थाएं होती है। तो वो कहता है कि निर्गत में तीन प्रकार के जिसमें आप व्यवस्थापिका विधायिका की जो चर्चा करते हो उनकी बात वो यहां पे करेगा। तो वो कहता है कि नियम का निर्माण है नियम का क्रियान्वयन है या नियम का जो निर्णय है उनसे जुड़ी हुई संस्था है। तो पहला है उसमें नियम का निर्माण, तो आपको पता है कानून का निर्माण कौन करता है विधायिका। दूसरा आता है नियम का क्रियान्वयन, तो आपको पता है
कानूनों का क्रियान्वयन कौन करता है? कार्यपालिका। और तीसरा होता है नियम पर निर्णय, नियम निर्णय। तो कानूनों के सही है या गलत इसका निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका। तो वो कहता है निर्गत जो होता है, निर्गत के भी तीन प्रकार ये हैं, और ये तो हो गए प्रकार ये, और ये हो गई संरचनाएं, उनसे जुड़ी हुई संरचनाएं। तो ये तीन प्रकार के प्रकार ये जो है वो निर्गत से संबंधित है, नियम का निर्माण, नियम का क्रियान्वयन, नियम पर निर्णय। नियम का निर्माण जो है विधायिका के द्वारा, क्रियान्वयन कार्यपालिका के द्वारा, निर्णय नियम का निर्णय है वो न्यायपालिका के द्वारा लिया जाता है। इस प्रकार से वो अपने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो ये था आवंट का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जिसके अपन ने उनकी जो संपूर्ण गतिविधियां हैं उनको अपन ने यहां पे समझने का प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं कि आप इस लेक्चर के माध्यम से आवंट के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है उसको आप अच्छी तरीके से समझ सके। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।